हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम लोग रेडी हुए हैं और हमारी टोली जा रही है कहीं पे, कहाँ पे ट्यूबिंग करने। वैसे तो हमने पहले से प्लान करके रखा था कि कहाँ पे जाएंगे, मतलब ट्यूबिंग करने, लेकिन आज का वेदर थोड़ा ख़राब है। मतलब माइनस तो नहीं है लेकिन 12 डिग्री है, 4-5 डिग्री था सुबह, अभी 12 डिग्री है, लेकिन फिर भी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। देखते हैं आगे जाके पानी में कैसा रहेगा। और चलो सब लोग हाय बोल दो। हाय। और ये एक बच्चा अंदर बैठ गया है। ओके सब बच्चों के साथ मुसाफरी हो और रास्ते में ना रुके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेके रुक गए, जहाँ पे हमने वॉशरूम यूज़ किया और नाश्ता किया, और वापस से हम चल पड़े हमारे रास्ते के, हमारी मंजिल की ओर। तो हमारी मंजिल 150 किलोमीटर जितनी दूर है, तो मतलब 1.5 घंटा जितना लगेगा। ओ और ये नज़ारा देखो, कनाडा किसी चीज़ में अच्छा है ना, तो वो है इसकी ब्यूटी। मतलब सीनरी ये वाली जो दिख रही है इतनी परफेक्टली होती है ना, मतलब कैमरा तो इतना जज नहीं कर सकता, लेकिन अभी जो समर में पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, यहाँ पे जो नीचे लॉन होती है वो भी एक प्रॉपरली कट की जाई होती है, तो मतलब देखने में इतना मज़ा आता है ना, जैसे कि हम हमारे किसी हिल स्टेशन में गए हो ना, ऐसा पूरा कनाडा ही, मतलब हर जगह ऐसा ही होता है। और स्पेशली जहाँ पे जो इंटीरियर है ना, जहाँ पे बहुत डेवलपमेंट नहीं है, मतलब इंडस्ट्रियल ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं है, उस जगह पे ये ऐसी मतलब हरियाली आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगी। और वहाँ जैसे कि हमारा जो प्रोविंस है अल्बर्टा, वो तो उसके ब्यूटी के लिए फेमस ही है, तो यहाँ पर तो हर जगह आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो ये नज़ारा इन्जॉय करते करते हम पहुँच गए हैं हमारी मंजिल पर। हाँ, 1-2 मिनट्स में तो हमारी मंजिल आ जाएगी, लेकिन वेदर थोड़ा ख़राब है। मैंने पहले ही बोला कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उसके साथ कभी कभी बारिश भी आ रही है, और अभी पता नहीं है कि कैसे हम करेंगे, ट्यूबिंग करेंगे, क्या करेंगे, वो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन फिर क्योंकि समर है तो हर एक सैटरडे संडे हमें इन्जॉय करना ही है। तो देखो यहाँ पर हम आ गए हो, और ये क्या आते देखा कि पार्किंग पूरा खाली है। और एक्चुअली हमें ऐसा बोला गया था कि मतलब टाइम से पहले पहुंच जाना, नहीं तो है ना एंट्री नहीं देते। वैसे एंट्री फ्री है लेकिन फुल हो जाता है ना, तो आपको फिर एंट्री ही नहीं मिलती, या तो फिर पार्किंग नहीं मिलता है। मतलब ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इतने 200-300 किलोमीटर के एरिया में ये वाला एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आप बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वैसे वाटर पार्क वो सब है, लेकिन ये वाला स्पॉट है, आपको नेचुरल ब्यूटी, बीच वाला सारा माहौल है ना, एक ही जगह पर आपको मिलता है। और ये जब से कनाडा है ना, तब से पीने का बहुत बढ़ गया है। क्या पीने का बढ़ गया है? कॉफ़ी। टीम की कॉफ़ी पीने की बढ़ गई है भाई। और अभी है ना, हम जब पार्किंग किया तो वहाँ पे हमने पूछा कि क्या मतलब आज क्यों इतना रश नहीं दिख रहा है। वहाँ पे हमको एक बहुत ही बैड न्यूज़ मिली। हाँ फ्रेंड्स, आज है ना ये डिस्कवरी कैन्यन बंद है, और इन्होंने वेबसाइट पे बिल्कुल अपडेट नहीं किया हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था कि ओपन है, वरना हम इतना दूर से यहाँ आते नहीं। तो देखो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ से मतलब यहाँ साइज़ लिखी हुई है कि कितने बड़े बच्चे और यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। और मतलब यहाँ की ब्यूटी की तो बात करूँ ना, तो वैसे पार्क है लेकिन मतलब पार्क से भी बहुत ही अच्छा है। ऐसे पूरा रिसोर्ट जैसा माहौल बनाया हुआ है, हर एक जगह देखो यहाँ पे प्ले एरिया है, बैठने के लिए है। अगर आप मतलब बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आए हो, तो आपको पूरा दिन आपका कहाँ जाए ना वो भी पता नहीं चलता है। तो हम भी इसीलिए सुबह सुबह आ गए थे कि भाई हम, और पूरी तैयारी के साथ आए थे, मतलब हमारे 2-2 जोड़ी कपड़े, क्योंकि अगर हमारे कपड़े गीले हो गए तो स्विमिंग के कपड़े, मतलब शॉर्ट्स वॉर्ट्स बच्चों के, उसके साथ नाश्ता वास्ता सब लेके आए थे। तो यहाँ से मतलब पूरा पानी नीचे जाता है, और ट्यूब में बैठ के बच्चे बड़े सारे यहाँ से नीचे जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक क्लिप डाल रही हूँ कि जब ये चालू होता है तो कैसा माहौल होता है, और नीचे का नज़ारा भी मैं दिखाती हूँ। रास्ता हम जहाँ भी जा रहे हैं, मतलब पूरा ऊपर से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वो ट्यूब दिखाई थी ना, वहाँ से पूरा बच्चे और बड़े यहाँ से नीचे ट्यूब में बैठ के जाते हैं। वो जैसे कि वाटर पार्क में स्लाइड में बैठ के जाते हैं ना, बस ऐसा ही पूरा नज़ारा होता है यहाँ से नीचे।
और यहाँ पे देखो आसपास तो ग्रीनरी है ना, और यहाँ पे बीच जैसी मिट्टी है, मतलब प्रॉपरली आपको ऐसा लगेगा कि है ना आप छोटे से किसी टापू में या मतलब किसी बीच पे आए हो यहाँ पे, मतलब पूरा ऐसा माहौल इन्होंने क्रिएट किया है, वर्थ इट है। मतलब एक बार तो अगर यहाँ पे आसपास है ना तो आना ही चाहिए। और पर हमारी आज मतलब बैड लक है, क्या है मालूम नहीं, हमें आज नहीं मिला। और अभी तो है ना बारिश भी हो रही है तो मिट्टी ये वाली गीली है, लेकिन फिर भी मेरे छोटू ने बोला कि मम्मी मुझे है ना थोड़ी देर माटी में खेलना है, तो मैंने बोला ठीक है खेल लो, वैसे आए हैं तो और कुछ तो नहीं, तो मतलब तुम तो एंजॉय कर लो। और इतनी ब्यूटीफुल जगह है ना, मतलब हमने सोचा था कि हम इतने मतलब बहुत सारे वीडियोस लेंगे, बहुत सारे रील्स करेंगे, लेकिन एक्चुअली ठंड भी थोड़ी ज़्यादा है। फिर हमने सब ने अपने अपने फ़ोटोज़ थोड़े क्लिक किए, उसके बाद थोड़ी ऐसे छोटी छोटी वीडियोज़ ली। और अफसोस तो इस बात का हो रहा था कि इतने दूर आने के बाद ये बंद मिला। और फिर एक प्रॉब्लम क्या होता है ना कि यहाँ पे होते हैं समर के 3-4 महीने अच्छे से, मतलब जहाँ पे हम अच्छे से पानी में एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बाकी का टाइम तो है ना पूरा ठंड होता है। अभी भी देखो हम सब ने ऐसे जैकेट वो सब पहना है, तो आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि रियल में ठंड है। मतलब ये सारे इतने हमने मोटे मोटे वाले जैकेट पहने हैं। यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम इतने थक गए कि आप लोगों को हमारे चेहरे से ही पता चल गया होगा कि हम कितने थक गए, और अब हम वापस चले। तो यहाँ पे बच्चों ने इतना मतलब जो सोचा था वो नहीं मिला, तो फिर बच्चों ने बोला कि मम्मी अब बाहर कहीं पे खिला दो, तो फिर यहाँ पे हम इंडियन रेस्टोरेंट में खाने के लिए आ गए। तो चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक ले टाटा बाबा जय श्री कृष्ण जय भारत।